हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहाँ तलाक होने पर भी जश्न मनाया जाता है। इस देश में औरत का पतला होना एक अपशकुन माना जाता है और बचपन से ही लड़कियों को मोटा बनाने के लिए उन्हें 8 से 10 हजार कैलोरीज दिन में दी जाती हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर तेल के भंडार तो मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। इस देश की करेंसी भी भारत के रुपए से ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीकी महाद्वीप के एक बेहद ही गरीब मुल्क मॉरिटेनिया के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहे हैं। अब बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बता दें कि ये देश अफ्रीका के पश्चिमी इलाके में स्थित है। इस देश के एक ओर सहारा रेगिस्तान है तो वहीं दूसरी ओर अटलांटिक महासागर है। साथ ही ये अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है। मॉरिटेनिया की सीमाएं अल्जीरिया और माली जैसे देशों से जुड़ी हुई है। वहीं मॉरिटेनिया की कुल जनसंख्या 48 लाख के आसपास है। और बात होकर धर्म की तो देश के 99% आबादी सुन्नी मुस्लिम समुदाय है, तो 1% आबादी शिया मुसलमान है। दूसरे इस देश की राजधानी नुआकशॉट है। ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर मॉरिटेनिया के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंटर के रूप में भी काम करता है। नुआकशॉट को 1958 में मॉरिटेनिया की नई राजधानी के रूप में चुना गया था। तब तक ये सिर्फ एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। मॉरिटेनिया में आपको बहुत कम ही भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी और राजधानी के अलावा आपको अन्य जगहों पे बहुत मुश्किल से ही मोटर व्हीकल या गाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग ज्यादातर ऊंट जैसे मवेशियों का इस्तेमाल ही वाहन के तौर पे करते हैं। मॉरिटेनिया की आधिकारिक भाषा अरबी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर फूला, सोनेनके और वोलॉफ जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। ये नाम आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन यहाँ की बोलचाल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं के नाम ऐसे ही अटपटे हैं। मॉरिटेनिया पर सन 1909 में फ्रांस ने कब्जा किया था और 28 नवंबर 1960 को इसे फ्रांस से आजादी मिले थे। आजादी के 62 साल बाद भी इस देश के हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं और एक बड़ी आबादी को आज भी यहाँ पर गुलाम बनाकर काम कराया जाता है। मॉरिटेनिया देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर है। देश की कुल GDP $8 बिलियन के आसपास ही है, जो भारत के किसी छोटे शहर की GDP से भी कम नजर आते हैं। और इसी वजह से इस देश में शिक्षा को भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। सिर्फ 53% लोग ही इस देश में आपको लिटरेट देखने को मिलेंगे। मॉरिटेनिया की 58% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और लगभग 16% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इनकी हालत इतनी खराब है कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। मॉरिटेनिया का 90% इलाका सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, इसलिए इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है। औसतन प्रति किलोमीटर एरिया में सिर्फ 5 लोग ही रहते हैं। यहाँ पर लोगों के घर भी आपको काफी कच्चे और मिट्टी के बने हुए नजर आएंगे। लाखों लोग तो यहाँ टेंट में ही रह के अपना जीवन गुजार लेते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मॉरिटेनिया में तेल के भंडार भी मौजूद हैं। जिन देशों में तेल के भंडार पाए जाते हैं वो काफी अमीर ही देखने को मिलते हैं। साल 2001 में मॉरिटेनिया में तेल के स्रोत की खोज की गई थी, लेकिन इन सभी भंडारों पर आज चीन ने कब्जा किया हुआ है। चीन मॉरिटेनिया को आर्थिक मदद मुहैया कराता है और बदले में चीन की कंपनियां यहाँ पर जमीन से तेल बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। बता दें कि 20वीं शताब्दी में ज्यादातर देशों ने गुलामी की परंपरा को बंद कर उसके खिलाफ सख्त कानून अपने देशों में बना दिए थे। मॉरिटेनिया में स्लेवरी को लेकर कानून सन 1981 में पारित किया गया था और ये गुलामी को जुर्म मानने वाला अंतिम देश बना था। लेकिन आज भी मॉरिटेनिया के कई हिस्सों में लोगों को जबरन गुलाम बनाकर रखा जाता है और उनसे मजदूरी कराई जाती है। मॉरिटेनिया के आगे न बढ़ पाने का एक बड़ा कारण है यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। साथ ही इस देश में क्राइम रेट भी काफी ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है और सब लोग बहुत गरीब हैं। ऐसे में चोरी, डकैती, लूटपाट और किडनैपिंग जैसी घटनाएं यहाँ पर काफी आम बात है। इतना ही नहीं, इस देश में आतंकवाद भी अपनी जड़ें मजबूत करने का काम कर रहा है। बेरोजगारी से भी बड़ी समस्या है यहाँ के पुरुषों का आलसी और कमजोर होना। मॉरिटेनिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पालन और पशुपालन है। लोग मवेशियों को पालते हैं और उनका गोश्त खाकर अपना गुजारा करते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग माइनिंग के कामों में भी जुटे हुए हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। आयरन, गोल्ड, जिप्सम, डायमंड, कॉपर और फॉस्फेट जैसे कई पदार्थ यहाँ अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के कारण ये देश कभी तरक्की की राह पर अग्रसर नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद मॉरिटेनिया के लोग काफी खुशमिजाज माने जाते हैं। मॉरिटेनिया में आपको कुछ बेहद ही अजीबोगरीब कानून और रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। एक और जहाँ पूरी दुनिया में लड़कियां 0 फिगर पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, डाइट प्लान फॉलो करती हैं, घंटों जिम में पसीना बहाती हैं जिससे उन्हें अच्छी फिगर मिल सके, लेकिन वहीं मॉरिटेनिया में बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है। जी हाँ, यहाँ पर महिला का पतला होना गलत समझा जाता है। मोटा होना यहाँ सुंदरता की निशानी मानी जाती है। एक महिला जितनी मोटी होगी उसे उतना ही ज्यादा सुंदर माना जाता है। और यही वजह है कि 5-6 साल की उम्र से ही यहाँ लड़कियों को एक दिन में 8 से 10 हजार कैलोरीज उनके परिवार वाले देने लगते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खजूर और दूध बच्चियों को खिलाया जाता है। क्या अजीब नियम है ना। गर्म देश होने के कारण मॉरिटेनिया में खजूर की पैदावार अच्छी मात्रा में होती है और खजूर यहाँ का एक मुख्य फूड है। साथ ही यहाँ पर 13 से 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। भले इनके पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शादियाँ यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शादी समारोह के दौरान पूरे इलाके में अलग ही
की रौनक देखने को मिलती है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, अपने बच्चों की शादी में किसी तरह की कोई कमी वो नहीं छोड़ता। कई दिनों तक यहाँ पर शादी के फंक्शन चलते रहते हैं और लोग जम के नाच गाना करते हैं। इस दौरान लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। पुरुष लोग अरबी लिबास में नजर आते हैं, जो सफेद रंग का एक बड़ा सा कुर्ता जैसा होता है, और महिलाएं भी काफी आकर्षक ड्रेसेस पहनते हैं। साथ ही यहाँ पर जब किसी का तलाक होता है तो उस मौके पर भी जम के जश्न मनाया जाता है और दावत का आयोजन होता है। दोस्तों, मॉरिटेनिया में वैश्यावृत्ति गैर कानूनी है, और अगर कोई भी महिला या पुरुष इस धंधे से जुड़ा होता है तो उसे 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है। हालांकि बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं यहाँ पर आए दिन सुनने को मिलते हैं। इस देश में शरीयत कानून लागू है, और यही वजह है कि इसे एक ड्राई कंट्री के रूप में जाना जाता है। पूरे देश में आपको कहीं पे भी शराब की दुकान या शराब पीता कोई नजर नहीं आएगा, पर समय के साथ कुछ चीजें बदलने लगी हैं। अब खबरों की माने तो राजधानी के कुछ होटल्स में सैलानियों को बियर परोसनी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, मॉरिटेनिया का इतिहास काफी पुराना है। 3री शताब्दी के आसपास ये देश रोमन साम्राज्य के अधीन था। वहीं 7वीं शताब्दी में इस देश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करना शुरू किया, और आज मॉरिटेनिया का नाम उन चुनिंदा देशों में आता है जिनकी 100% आबादी मुसलमान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में नास्तिक होना एक जुर्म माना जाता है। ये कानून साल 2018 में सरकार द्वारा बनाया गया था। रेगिस्तान के पास होने के कारण मॉरिटेनिया में पूरे साल भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मियों के दौरान तो यहाँ का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। बारिश तो जैसे यहाँ के लोगों के नसीब में है ही नहीं, साल में बहुत मुश्किल से चंद दिन की बरसात यहाँ देखने को मिलते हैं। बता दें कि मॉरिटेनिया की 50% आबादी के पास आज भी बिजली नहीं पहुँच पाई है, और जिन इलाकों में बिजली की पहुँच है वहाँ भी दिन में 8 से 10 घंटे ही बिजली की सप्लाई होती है। देश में 1 लाख से भी कम टीवी मौजूद है, और स्मार्टफोन से आज भी इस देश की ज्यादातर आबादी अनजान है। जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे ना हो वो लोग मोबाइल फोन और टीवी का करेंगे भी क्या। एंटरटेनमेंट के लिए रोजाना लोग घंटों तक घरों के बाहर बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि करने के लिए यहाँ पर कोई खास काम नहीं है। इस देश का नेशनल गेम है फुटबॉल। यहाँ के लोगों को फुटबॉल खेल से बहुत लगाव है, साथ ही इनकी एक नेशनल टीम भी है। ऐसा नहीं है कि देश हर जगह ही पिछड़ा हुआ है। बता दें कि मॉरिटेनिया में आपको दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलते हुए दिखाई देगी। मॉरिटेनियन आयरन ओर ट्रेन नाम के इस ट्रेन की लंबाई 3 मील है, जो एक मालगाड़ी है। ये ट्रेन खानों से निकलने वाला लोहा एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करते हैं। दोस्तों, मॉरिटेनिया में आपको खाने के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। भले इस देश में गरीबी है, लेकिन खाने पीने के मामले में यहाँ पर वैरायटी की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में आप लाजवाब नॉनवेज फूड का स्वाद ले सकते हैं। चिकन और सब्जियों से तैयार की गई यासा पोलेट यहाँ की लोकप्रिय डिश है। माफी एक प्रकार का स्ट्यू होता है, जिसे ग्राउंडनट और पीनट से तैयार किया जाता है। मॉरिटेनिया स्वीट टी को यहाँ के लोग दिन में कई बार पीते हैं। इन सबके अलावा हाको, चुबागिन, बनाफ, मैरोलियम, फिश पेस्ट्री और चरकिम जैसे कई पकवान और डिशेज यहाँ काफी चाव के साथ खाई जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपको मॉरिटेनिया देश की उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो ये देश घूमने के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित और अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोगों के बीच पिछले कुछ सालों के दौरान इस देश की सैर पर जाने का क्रेज देखने को मिला है। रिसर्च स्ट्रक्चर पूरे मॉरिटेनिया का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसे आई ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इसका डायमीटर 40 किलोमीटर का है, जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। यहाँ पर आज तक कई फिल्मों की शूटिंग भी की जा चुकी है। देश की सबसे ऊंची चोटी कैदियट एच जेल है, जिसकी ऊंचाई 915 मीटर है। ये पूरा पहाड़ मैग्नेटाइट से बना हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पर सभी कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, चिंगुवेटी नाम की जगह एक समय पर काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। मक्का की तरह ही इस स्थान का भी अपना एक अलग महत्व था, लेकिन समय के साथ अब यहाँ पुराने खंडहर बचे हुए हैं। ये जगह यूनेस्को के विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में भी शामिल है। नॉकशॉट इस देश की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पर हर जगह आपको मछली बाजार लगे हुए नजर आएंगे। इस शहर को 15,000 लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ 20 लाख से अधिक लोग बसे हुए हैं। सऊदी मॉस्क इस पूरे देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। देश में बैंक टी आर्गुविन और डाइवलिंग जैसे नेशनल पार्क भी इस देश में आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। इन नेशनल पार्क्स में आप कई प्रकार के जानवरों के साथ साथ कई प्रवासी पक्षी भी देख सकते हैं। अगर आप एक बर्ड लवर हैं तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। अद्रार के पठार में आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जहाँ मॉरिटेनिया की कई पारंपरिक चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही गैलरी जेनार्ट में आपको आर्ट से बनी हुई कई चीजें मिल जाएंगे। मॉरिटेनिया के इतिहास के बारे में जानने के लिए आप नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉरिटेनिया जा सकते हैं। वलाता और औडाने इस देश की अन्य ऐतिहासिक जगहों में शुमार हैं। इन सब के अलावा तेरजत, टिचेट, किफा और जौरत जैसी कई जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था रेत का देश मॉरिटेनिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको मॉरिटेनिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। आप कभी गए हो मॉरिटेनिया, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।